हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं हूँ डॉक्टर हिना अफजा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेंस प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर। और आज हम नया ग्रुप एक ज्वाइंट करने जा रहे हैं, पूरा नया ग्रुप बना रहे हैं, फेमस एस्ट्रोलॉजर ग्रुप करके हैं, तो टेलीग्राम में है, तो आप कृपया उसमें भी जुड़ने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे बहुत सारी नई नई जानकारी भी मिलेगी। और पहले का हमने जो एपिसोड किया वास्तु के ऊपर, सब दिशाओं के बारे में बताया, कौन सी दिशा कहाँ पे क्या काम करती है, कौन से देवता ग्रह देवता काम करते हैं वो भी बताया, कौन से तत्व है वो भी बताया। जैसे चार तत्व, पांच तत्व काम करते हैं, तो पांच चार राशि, चार तत्व में चार राशियाँ काम करती है, कौन से गुरु। तो हम लोग नो लास्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में काम कर रहे थे, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा के बारे में हम बताने जाएंगे आज। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में कैसी होनी चाहिए, वो मैंने आपको थोड़ा बताया था, तो आज मैं ज़्यादा बताने जा रही हूँ। नॉर्थ ईस्ट दिशा में जैसे यहाँ पे हमने देखा, ईशान कोण है, गुरु के देवता है, और नॉर्थ उत्तर पूर्व दिशा होती है नॉर्थ उत्तर। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो वाटर पानी तत्व राशियाँ 4, 8, 12 कर्क वृश्चिक और मीन राशि वो दिखाई हुई है। चंद्र उनके देवता है जल के, और वृश्चिक राशि के मंगल है, मीन राशि के एक गुरु है। तो नॉर्थ ईस्ट स्थान है जो गुरु देवता का स्थान है, तो वहाँ पे हमें क्या क्या नहीं रखना चाहिए, तो पहले आज हम वो बताएंगे कि क्या नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा में ग्रह वास्तु के हिसाब से टॉयलेट नहीं होना चाहिए। जो वहाँ पे टॉयलेट हो गया, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिशा वास्तु पुरुष की दिशा है, तो वहाँ पे उनका शीर आता है, तो शीर आता है तो वहाँ पे हमारा टॉयलेट हो, तो टॉयलेट और भगवान का स्थान भी माना जाता है नॉर्थ ईस्ट दिशा को। तो भगवान के स्थान पे हम क्या छीछी पेपी करने जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो भी क्या हाल हाल होता है। तो देखिए आपको, तो वहाँ पे दर्द, सिर का दर्द हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, या सिर का दर्द कैंसर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, या कुछ ना कुछ सिर की बीमारियाँ होती है जो हम बिना देखे। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आया तो बोल सकते हैं घर में किसको सिर की बीमारी है, तो वो हाँ बोलेंगे कि हाँ इसको सिर दर्द है, इसको थोड़ा थोड़ा दर्द देता है, या तो बोलते हैं उसको कैंसर हो गया है, या तो ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो इससे कुछ ना कुछ निकलता ही है। तो इसीलिए हमें ये चेंज करना पड़ता है घर के अंदर। चेंज ना कर सके तो उसके लिए भी क्या करना है, तो वो सब भी रेमेडियाँ होती है। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में खाली रखना है, वहाँ पे टॉयलेट है तो हटा देना चाहिए वहाँ से, और खाली रख के वहाँ पे पूजा का स्थान होना चाहिए, वहाँ पे पीला कलर होना चाहिए, और भगवान को हम जो वस्त्र पहनाते हैं वहाँ पे भी आप पीले कलर के वस्त्र भी पहना सकते हो, या तो पीला कलर का वस्त्र नीचे बिछा भी सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा का महत्व कितना है, नॉर्थ ईस्ट दिशा क्या काम करती है हमारे साथ। अभी नॉर्थ ईस्ट दिशा गुरु का स्थान है, तो गुरु नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम, छोटे बच्चों को या तो शादी होने वाली वो बच्चे को भी हमारे घर में वो बेडरूम नहीं दिया जाता। वो बेडरूम नॉर्थ ईस्ट का जो लड़का या तो लड़की को, युवा युवती जो शादी होने वाली उसको देते हैं, तो क्या होता है उसकी शादियाँ होती नहीं है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, तो जल्दी शादी नहीं होती। तो ये खास ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम भी नहीं बनाना है, टॉयलेट भी नहीं बनाना है, खाली भगवान का टेम्पल ही बनाना है, और हो सके टेम्पल भी न बना सके तो उसको खाली रखना है वो जगह को। और एकदम सोफा थोड़ा कुछ छोटे बड़ी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन हो सके तो खाली रखें। तो गुरु वहाँ पे देवता है, तो हम क्या करते हैं, शादीशुदा युवक युवतियों को भी गुरु जरूरी है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपका गुरु वीक है तो क्या करना है। तो जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि गुरु वीक है तो क्या करना है, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, पहले तो एक चने की दाल का मैंने ऑप्शन बताया था, और दूसरा युवक युवतियों की शादियाँ नहीं होती है तो क्या करना है, तभी गुरु का स्थान ही होता है, तो वहाँ पे क्या करना है कि एक युवक युवती की शादी ना होती हो तो 5 गुरुवार हमको करना है। तो फर्स्ट गुरुवार को लक्ष्मी नारायण के टेम्पल में जाना है, और वहाँ पे हमें 5 पीले लड्डू लेके जाना है, और माता जी का लक्ष्मी जी जो होती है उसके 16 सिंगर का एक छोटा सा पैकेट मिलता है, तो वो भी लेके हम जा सकते हैं। और साथ में लक्ष्मी नारायण के टेम्पल में जाना है, और लड़का या तो लड़की दोनों को जाते हैं तो बोलना है कि लक्ष्मी नारायण देव आपके जैसी जोड़ी है वैसे हमारी जोड़ी हो जाए, 5 गुरुवार के अंदर हमें रिजल्ट दो, और मुझे अच्छा लड़का मिले या तो मुझे अच्छी लड़की मिले, ऐसे ब्लेसिंग मांगने हैं। और उस दिन आपको क्या करना है, 5 जन को
आपका ये हो जाए तो 5 जन को पाव वड़ा खिलाना है 5 गुरुवार को, तो उससे काफ़ी फायदा होता है और वो व्यापार में काम लगता है। जैसे किसी का बिजनेस गड़बड़ हो गया है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, तो तभी क्या करना है, 5 पाव वड़ा 5 गुरुवार को 5 जन गरीबों को खिलाना है, तो उससे काफ़ी फायदा होता है। तो ये भी है। और कभी कभी किसी का घर नहीं होता है, तो कोई भाड़े रेंट पे रहता है, तो कोई किसी के दूसरे के घर में रहते हैं, या तो घर नया लेने जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में जैसे बच्चे लोगों को रमक टॉयज मिलते हैं, तो वैसे ही एक छोटा टॉयज लाके आपको नॉर्थ ईस्ट दिशा में हाउस रख देना है। हाउस रखने से क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में आपका घर जो नहीं हो रहा है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो रही, तो वो आपका घर खुद का हो जाएगा। ये हमारी रेमेडी नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। नॉर्थ ईस्ट दिशा जल तत्व है, इसीलिए तांबे के लोटे में पानी भर के ऊपर एक नारियल रखना है, उसे भी काफ़ी फायदा होता है। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा की आज आपने रेमेडियाँ जानी तो बहुत अच्छा लगा। तो छोटी छोटी रेमेडियाँ जैसे मैंने बताया कि चने की दाल रखनी है, मूंग की दाल भी रख सकते हो, जो पीला कलर की आती है तो वो भी आप रख सकते हो, और ऐसे 5 गुरुवार आपको रखना है, और फिर आप उसको रिजल्ट देखो, तो उससे कितना फायदा होता है कि घर की हमारी रेमेडी जो होती है हमारे घर के अंदर ही है, लेकिन हम आजू बाजू बाहर ढूंढते रहते हैं, क्यों नहीं मिलती है रेमेडी, मिलती है, लेकिन मगर थोड़ा शांत रखिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा में क्या क्या करना है, कैसे करना है, जैसे पीला कलर, घर के अंदर पीला कलर भी नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगा सकते हो, तो ये भी आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी रेमेडियाँ बहुत काम लगती हैं। तो आज के लिए नॉर्थ ईस्ट दिशा यहाँ पे हम देखे तो समाप्त कर रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वास्तु की अभी साउथ ईस्ट दिशा, ईस्ट दिशा, सब सारी सारी दिशाओं के हम रेमेडी देते रहेंगे, और कौन सी दिशा में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा ग्रह आपका वीक है, तो वो दिशा में आपके घर के मुताबिक वो दिशा में ग्रह कहाँ बैठा हुआ है वो आप फाइंड आउट कीजिए मेरे सिखाने के बाद। फिर आपको किसी को अर्जेंट है तो आप कॉल कर सकते हो, और मेरा मोबाइल नंबर है 9820692303, लेकिन काम है तो ही फ़ोन करो, नहीं तो नहीं करो, क्योंकि हमारा शेड्यूल इतना टाइट होता है, फिर भी हम आपको आंसर देते हैं इमरजेंसी है तो। इसीलिए वास्तु घर में कराना कितना बेनिफिट और फायदा कारक है, इसीलिए घर के अंदर वास्तु कराना अच्छा है। कोई कोई लोग नहीं मानते वास्तु क्या करने का, लेकिन वास्तु करने से कितना फायदा होता है, जहाँ हमारी रुकावट आती है जॉब में, शादी में, बच्चे नहीं हो तो उसमें सारी हमारी रेमेडियाँ काम करती है, और वास्तु के मुताबिक घर हो तो अच्छा है। जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट दिशा में लेटरिंग है तो क्या प्रॉब्लम होती घर के अंदर, तो वो किसी को नहीं पता है, मेरे मम्मी या तो मेरे डैडी को ये हुआ ये हुआ, सिर की बीमारी हो गई, लेकिन जब वास्तु वाला आपके घर के अंदर एंट्री मारता है तब उसको पता चलता है कि आपके घर में दिक्कत क्या है। जब हम सामने से बिना पूछे बताएंगे तब उसको लगता है कि नहीं, आपने जो बोला बहुत ही अच्छा बोला, और वास्तु घर में कराना ही चाहिए। तो आगे हमारे साथ जुड़े ही रहिए, और वास्तु की टिप्स अलग अलग मिलती रहेगी। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से एस्ट्रोलॉजर, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर, इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेंस प्रेसिडेंट, और नए नए हम जुड़ते रहेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए, और आपको नई नई टिप्स मिलती रहेंगी, और वास्तु के खूब आप वास्तु खुद करने लगेंगे आपके घर के अंदर। तो कैसा लगा आज का एपिसोड, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी, आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, नहीं करना है, आपको अच्छा लगे तो ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्ण।